नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुराने से पुराना कालापन, मैल, जमी हुई गंदगी मिनटों में होगी साफ, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो आपके हाथों पैरों पर जमी हुई गंदगी, गर्दन पर जमी हुई मैल, पुरानी टैनिंग या ड्राइनेस की समस्या है वो पूरी तरह से साफ होगी और जड़ से खत्म होगी, और आपको अपने हाथ पैर सॉफ्ट, मुलायम और सुंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हाथों पैरों की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितना हम अपने चेहरे की करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कैसे आप अपने हाथों पैरों को सॉफ्ट, मुलायम और सुंदर बना सकते हैं। इस उपाय के लिए दोस्तों पहली चीज हमें यहाँ पर लेनी है वो है ये चीनी बूरा। चीनी बूरा दोस्तों स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है, डेड स्किन सेल्स की सफाई करके नए सेल्स को बनाने में काम करता है चीनी बूरा। इससे दोस्तों हमारी स्किन की डलनेस खत्म होती है और स्किन सॉफ्ट बनती है। चीनी बूरा दोस्तों आपको कैसे बनाना है, आप थोड़ी सी चीनी लीजिए और उसे पीस लीजिए, पर आपको उसे थोड़ा सा इस तरह से दरदरा पीसना है। और ये जो चीनी बूरा है इसका दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आधे चम्मच के बराबर। आप इस तरह से चम्मच से आधा चम्मच ये चीनी बूरा इसमें डालिए। और अगली जो चीज़ हम इसमें मिलाएंगे वो दोस्तों मेन इंग्रेडिएंट है इस उपाय का, वो है ये शैम्पू। जो भी शैम्पू दोस्तों आपके घर में अवेलेबल है आप वो लीजिए। जिस भी शैम्पू का आप इस्तेमाल करते हैं घर पे, आप वो वाला शैम्पू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटा पाउच एक क्लिनिक प्लस का लिया है और इसे हम ऊपर से छील लेंगे और एक शैम्पू का पाउच जो है आपको इसमें डाल देना है। शैम्पू में दोस्तों कैटेगनोजल पाया जाता है जो हमारी स्किन फंगस और स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर इस तरह से एक टूथपेस्ट लीजिए। टूथपेस्ट दोस्तों आपको व्हाइट कलर की टूथपेस्ट लेनी है, कोई भी ऐसा टूथपेस्ट नहीं लेना जिसमें कलर एडिड हो। आप इस तरह से सिंपल प्लेन व्हाइट कलर की टूथपेस्ट लीजिए और उस टूथपेस्ट को हम कितना मिलाएंगे आप वो भी देख लीजिए। आपको जो है टूथपेस्ट दोस्तों एक बार के लिए लगभग आधे चम्मच के बराबर या फिर जितनी मैं मिलाऊंगा आप उतनी देख लीजिए, और इतनी टूथपेस्ट जो है आपको इसमें डालनी है। और डालने के बाद एक चम्मच लीजिए और चम्मच से हम पहले इसे मिक्स कर लेंगे। अगली चीज़ मिलाने से पहले दोस्तों आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि वो आपको कितनी मात्रा में डालनी है जिससे इसका एक अच्छा पेस्ट तैयार हो। आप इसे चम्मच से हिला लीजिए और फिर हम आखिरी चीज़ इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है दोस्तों आपको यहाँ पर लगभग 2 चम्मच के बराबर या फिर आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं। ऑयल मिलाने से दोस्तों क्या होगा कि आपके हाथ पैर सॉफ्ट रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे, जिससे वो ग्लो करने में मदद करेंगे। इसलिए हम इसमें यहाँ पर ऑयल भी मिलाएंगे। आपको जो है 2 चम्मच के बराबर या इस तरह से लगभग उतना सा ऑयल इसमें डालना है जिससे इसका पेस्ट तैयार हो जाए, और फिर चम्मच लेकर हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस उपाय को दोस्तों ना तो हम अपने हाथों की मदद से लगाएंगे और ना ही कॉटन बॉल यानी कि रुई का इस्तेमाल करेंगे। इसे आप पहले मिक्स कर लीजिए, और ये जो पेस्ट है आपको अप्लाई कैसे करना है जैसे आपके हाथ पैर साफ और सुंदर बने, आइए देखते हैं। इस नुस्खे को लगाने से पहले दोस्तों आप अपनी स्किन की पहले अच्छे से सफाई कर लें। जहां पर भी आप इस उपाय को लगाएंगे पहले आप हल्के गर्म पानी से वहां से अपनी स्किन को साफ कर लें, और फिर इस तरह से इस पेस्ट को लीजिए और जहां पर भी आपके हाथ पैर या गर्दन पर मैल जमी है, घुटनों पर मैल है, वहां पर इसे डालिए। और इसे लगाना कैसे है, इसे लगाने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हाफ लेमन लेंगे। आप इस तरह से ये नींबू की मदद से इसे अच्छे से अपनी स्किन पर रब कीजिए। रब करते समय दोस्तों आपको नींबू को हल्का हल्का स्क्वीज करना है ताकि नींबू का रस भी इसमें मिलता रहे। नींबू में दोस्तों ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखते हैं, और त्वचा में आने वाली बदबू की जो समस्या है, गर्मियों में अक्सर होता है कि पैरों से स्मेल आती है, पसीने की वजह से बदबू बहुत आती है, तो नींबू लगाने से दोस्तों हमारी स्किन फ्रेश होती है और त्वचा से बदबू भी कम होती है। आप हल्के हाथों से इसे दबाते हुए नींबू से इसे अपनी स्किन पर लगा लें और 5 मिनट तक रब कीजिए, और फिर आप इसे अपनी स्किन पर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आपको दोस्तों 15 मिनट इसे लगा के रखना है और फिर ताजे पानी लेकर उससे अपनी त्वचा को साफ कर लेना है। ये उपाय दोस्तों मिनटों में आपको असर दिखाएगा, आपकी स्किन को लाइटन करेगा। जहां पर भी आपके मैल, गंदगी, पुरानी ड्राइनेस या डेड स्किन सेल्स है वो साफ होंगे और आपकी त्वचा ग्लो करेगी। हफ्ते में दोस्तों अगर आप इस उपाय को 3 बार भी अपनी स्किन पर लगाते हैं तो 2 हफ्ते में आपको इसके पूरे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे आपकी त्वचा का कालापन खत्म होगा, जहां पर भी डार्कनेस थी या स्किन बहुत डल थी वहां से सॉफ्ट, मुलायम और सुंदर बनेगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।